इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3.4 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग को वज्र गुणन विधि पढ़ना है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.4। इसके लिए हम क्या करते हैं, वज्र गुणन की सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वज्र गुणन का जो फॉर्मूला होता है उसे हम कैसे एक ट्रिक के माध्यम से लिखें, पहले हम उसे समझते हैं। तो वज्र गुणन के लिए मान लीजिए कि कोई रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और हमें कोई दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 दिया है। हमें दो रैखिक समीकरण दिया है, जैसे यहाँ आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, दो दो समीकरण दिया है। वज्र गुणन को हल करने के लिए हमें दो समीकरण की आवश्यकता होता है, तो यहाँ हमें दो समीकरण दिया है जहां हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना होता है वज्र गुणन विधि से। तो इसका हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक्स लिख लिए और यहाँ वाई लिख लिए। अब हम बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ भी बराबर का चिन्ह और एक बटा का चिन्ह खींच लिए। हम सबसे पहले क्या किए, एक्स लिख लिए और फिर वाई लिख लिए और बटा का चिन्ह दे दिए। इसके बाद हम बटा में ए बी लिखेंगे, ए बी ए बी, यहाँ भी ए बी और ए बी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ए बी सी इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ए बी सी है, तो इसीलिए हम बटा में ए बी और यहाँ भी बटा में ए बी लिख लिए। अच्छा, ए बी इसके बाद होता है बी सी, बी सी, तो यहाँ हम बी सी लिख लिए, यहाँ भी हम बी सी लिख लिए। ध्यान रखेंगे हम पहले एक्स और वाई लिखेंगे, बटा का चिन्ह दिए, फिर बटा में हम ए बी लिख लिए, ये वाला पहले ए बी, यहाँ भी बटा में ए बी, उसके बाद हम बी सी, यहाँ भी बी सी और यहाँ भी बी सी, इसके बाद ये लिखेंगे सी ए सी ए सी ए, बस इतना ही ध्यान रखना है। ए बी यहाँ भी ए बी लिखेंगे, बी सी यहाँ भी बी सी बी सी और यहाँ सी ए सी ए। अब क्या करेंगे, हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 12 21 12 21, यहाँ भी 12 21 12 और 21, ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम इन समीकरण को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर एक है, कहता है वज्र गुणन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। हमें रैखिक समीकरण युग्म का दो युग्म दिया है, दो समीकरण दिया है, इसे हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम a1 = 8, एक्स का गुणांक होता है a1, तो यहाँ x का गुणांक 8 है इसलिए a1 = 8, b1 = 5, y का गुणांक b1 होता है, यहाँ y का गुणांक 5 है इसलिए b1 = 5 हो गया, और ये c1 यहाँ c1 बराबर से पहले है और यहाँ 9 जो है बाद में है, जब बराबर से इधर लेके आएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा। इसी प्रकार a2 = 3, b2 = 2 और c2 - -4 हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लस में जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में 4 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला को लिखते हैं, x और यहाँ y, हम दोनों तरफ बराबर का चिन्ह दे दिए, बटा का चिन्ह देंगे, यहाँ भी हम बटा का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ a b, यहाँ भी हम लिखेंगे a b, अब इसके बाद a b के बाद होता है bc, यहाँ लिखेंगे bc और bc के बाद ca, यहाँ लिखेंगे ca, हम दोनों में माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 12 21 12 21 12 21, यहाँ भी 12 और ये 21 लिख दिए, हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान को रखेंगे, तो b1 का जो मान है वो 5 है गुना c2 का मान -4 है, यहाँ -4, यहाँ माइनस में इसलिए कोष्ट होना आवश्यक है, फिर माइनस b2 का मान 2 गुना c1 का जो मान है वो -9, तो यहाँ -9 लिखेंगे, बटा a1 का मान 8 गुना b2 का मान 2
माइनस फिर ए टू, ए टू का मान तीन गुना बी वन, बी वन का मान पांच है तो पांच लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं, ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा पांचों का बीस, माइनस माइनस प्लस, और ये नौ दुना अठारह बटा आठ दुना सोलह माइनस पांच तिहाई पंद्रह। अब माइनस बीस प्लस अठारह माइनस दो बटा और सोलह पंद्रह एक, अर्थात ये माइनस दो। हमें x का मान माइनस दो मिल गया। अब इसी प्रकार हम y का मान निकालेंगे, तो c बराबर है यहाँ माइनस नौ गुना ए टू, ए टू का मान तीन है तो तीन लिखेंगे माइनस, फिर c2, c2 का मान माइनस चार तो माइनस चार गुना ए वन का मान आठ है तो आठ लिखेंगे बटा ए वन का मान आठ गुना बी टू, बी टू का मान दो माइनस ए टू का मान हो गया तीन गुना बी वन का मान पांच है तो पांच लिखेंगे। अब इसे हल करेंगे, माइनस प्लस माइनस नौ दिया सताइस, माइनस माइनस प्लस आठ चौका बत्तीस बटा आठ दुना सोलह माइनस तीन पचे पंद्रह। अब माइनस सताइस प्लस में बत्तीस हो जाएगा पांच बटा सोलह से पंद्रह गया एक, अर्थात ये पांच। अतः एक्स बराबर माइनस दो और वाई बराबर पांच, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे दो, यहाँ ए वन का मान दो दिया है, बी वन का मान तीन दिया है और सी वन का मान माइनस में चालीस है। चूंकि यहाँ चालीस अभी इधर प्लस में है, जब इसको हम एलएचएस में लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ ए टू का मान तीन हो जाएगा, बी टू का मान पांच हो जाएगा और सी टू का मान माइनस में चौहत्तर हो जाएगा। अब यहाँ हम जब ए वन बी वन ए टू बी टू और सी वन सी टू का मान लिख लिए हैं तो अब हम फॉर्मूला को लिखेंगे एक्स और यहाँ वाई, यहाँ भी बराबर का चिन्ह, यहाँ भी बराबर का चिन्ह। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला जो लिखने का ट्रिक है आपको स्वतः ही याद हो जाएगा, तब आप खुद से लिख सकते हैं। तो यहाँ एक्स वाई लिख लिए, बटा का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ ए बी, यहाँ भी ए बी, ए बी और ए बी लिख लिए। अब बी सी, बी सी, सी ए और यहाँ सी ए लिखेंगे। अब माइनस का चिन्ह लगा देंगे दोनों में ऊपर नीचे। अब 12 21, यहाँ भी 12 21, 12 21, 12 और 21 लिख दिया। अब हम लोग मान रखेंगे तो B1 का जो मान है वो 3 है, तो 3 गुना C2 का मान माइनस चौहत्तर तो माइनस चौहत्तर लिखेंगे, माइनस B2, B2 का जो मान है वो 5 है गुना C1 का मान माइनस छियालीस तो माइनस चालीस लिखेंगे बटा ए वन का मान दो है तो दो लिखेंगे गुना बी टू, बी टू का मान पांच है तो पांच लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। और ए टू, ए टू का मान तीन है तो तीन गुना बी वन, बी वन का मान तीन है तो तीन लिखेंगे। और इसे हल करते हैं, ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा और तीन से चौहत्तर में गुना करते हैं, ये चार तीन बारह के दो हासिल एक, सात तीन इक्कीस और एक बाईस हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये छः पंच तीस के जीरो हासिल तीन, पाँच का बीस और तीन तेईस बटा पाँच गुना दस माइनस तीन की आई नौ हो जाएगा। अब माइनस में दो सौ बाईस और प्लस में दो सौ तीस, ये आठ बचेगा बटा एक, अर्थात ये आठ हो जाएगा। अब हम लोग वाई का मान लिखेंगे, तो यहाँ सी वन, सी वन का मान माइनस छियालीस गुना ए टू, ए टू का मान तीन है तो तीन लिखेंगे माइनस सी टू, सी टू का मान माइनस चौहत्तर गुना ए वन, ए वन का मान दो है तो दो बटा का चिन्ह देंगे, फिर ए वन का मान यहाँ से दो है तो दो लिखेंगे गुना बी टू, बी टू का मान पाँच है तो पाँच माइनस ए टू का मान तीन गुना बी वन, बी वन का मान भी तीन है तो यहाँ हम तीन लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं, माइनस तो माइनस, छः त्रि अठारह के आठ हासिल एक, चार तीन बारह और एक तेरह, माइनस माइनस प्लस, चार दुना आठ और सात दुना चौदह बटा पाँच दुना दस माइनस तीन की आई नौ हो गया। अब माइनस में एक सौ अड़तीस और प्लस एक सौ अड़तालीस, ये हो जाएगा दस बटा एक अर्थात दस। अतः एक्स बराबर आठ और वाई बराबर दस, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर एक का पांच देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है दो बटा एक्स और तीन बटा वाई बराबर तेरह, यहाँ एक्स और वाई जो है वो बटा में, अर्थात
इस क्वेश्चन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बटा x जोड़ 3 बटा y, सॉरी 3 गुना 1 बटा y बराबर 13। 2 से हम 1 बटा x में गुना करेंगे तो 2 बटा x होगा, 3 से 1 बटा y में गुना करेंगे तो 3 बटा y हो जाएगा। अर्थात हम मान सकते हैं, माना 1 बटा x बराबर u और 1 बटा y बराबर v, तब हमें जो समीकरण मिलेगा वो 2u जोड़ 3v बराबर 13। हम 1 बटा x को u मान लिए और 1 बटा y को v मान लिए। इसी प्रकार ये 5 बटा u माइनस 4v बराबर माइनस 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ a1 का मान 2, b2 का मान 3 और a1 b1 और ये c1 का मान माइनस 13 हो जाएगा, a2 का मान 5, b2 का मान माइनस 4 और c2 का मान प्लस में, क्योंकि अभी माइनस में है, जब LHS आएगा तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे x और y, अब बटा में AB, यहाँ भी AB और AB, ऊपर में BC, यहाँ CA और ये CA, माइनस, यहाँ भी माइनस और माइनस, अब 12, 21, यहाँ भी 12, 21 और 12, 21, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम इसमें मान को रखेंगे, B1 का जो मान है वो 3 है, तो 3 गुना C2 का मान 2 है तो 2 माइनस B2 का मान माइनस 4 गुना C1 का जो मान है वो माइनस 13, तो यहाँ माइनस 13 लिखेंगे, बटा A1 का मान 2 गुना B2 का मान माइनस 4 माइनस A2 का मान 5 है तो 5 गुना B1 का मान 3 है तो 3। अब इसे हल करते हैं, ये 3 गुना 6 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये 13 चौका 52 हो जाएगा, बटा प्लस माइनस माइनस 4 गुना 8 माइनस 5 तिहाई 15। अब ये प्लस में 6 और माइनस में 52 तो माइनस में 46 हो जाएगा, और ये 15 और 8 माइनस में 23, माइनस से माइनस 23 गुना 46, अर्थात x का जो मान आ गया वो 2 आ गया। अब हम लोग y का मान निकालेंगे, इसके लिए C1 का मान माइनस 13 गुना A2 का जो मान है वो 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, माइनस C2 का मान 2 गुना A1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, बटा A1 का मान 2 गुना B2 का मान माइनस 4 माइनस तो माइनस, फिर A2 का मान 5 है तो 5 गुना B1 का मान 3 है तो 3 माइनस तो माइनस, 13 बचे 65 माइनस 2 गुना 4 बटा प्लस माइनस माइनस 4 गुना 8 माइनस 5 तिहाई 15। अब माइनस 65 और माइनस 4 तो माइनस में हो जाएगा 69 बटा माइनस 23, माइनस कट गया 23 तिया 69, अर्थात वाई बराबर हो गया 3। अतः एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। यहाँ एक A1 का मान 1/6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अब भिन्न है, यहाँ x बटा में था और यहाँ x ऊपर है, तो यहाँ हम A1 का मान 1/6 ले लेंगे, B1 का मान 1/15 और C1 का मान माइनस में 4 और A2 का मान 1/3, B2 का मान माइनस 1/12 और C2 का मान माइनस 19/4 लेंगे। अब फॉर्मूला को लिखेंगे, x और ये y, बटा का चिन्ह देते हैं, यहाँ AB, यहाँ भी AB और AB, BC, CA, माइनस, यहाँ भी माइनस और ये माइनस, 12, 21 और ये 21 हो जाएगा। B1 का मान 1/15 गुना C2 का मान माइनस
उन्नीस बटा चार है तो माइनस उन्नीस बटा चार लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस बी टू, बी टू का मान माइनस एक बटा बारह गुना सी वन, सी वन का जो मान है माइनस चार है तो माइनस चार बटा ए वन का मान एक बटा छ गुना बी टू का मान माइनस एक बटा बारह माइनस ए टू, ए टू का मान एक बटा तीन गुना बी वन का मान एक बटा पंद्रह है तो एक बटा पंद्रह लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं, उन्नीस से एक में गुना करेंगे तो माइनस में उन्नीस, चूंकि प्लस और माइनस माइनस होगा और ये पंद्रह चौका साठ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये चार बटा बारह बटा माइनस एक कम एक बारह छठ बहत्तर माइनस एक बटा पंद्रह दिया पैंतालीस हो जाएगा। अब साठ और बारह का जो एलसीएम होगा वो साठ हो जाएगा, तो माइनस उन्नीस बारह पंचे साठ तो पाँच चौका बीस बटा ये बहत्तर और पैंतालीस का एलसीएम कर देंगे तो बहत्तर और पैंतालीस का जो एलसीएम हो जाएगा वो तीन सौ साठ हो जाएगा, तीन सौ साठ हो जाएगा। सॉरी यहाँ बटा में तीन सौ, यहाँ बटा में हम तीन सौ साठ लिख रहे हैं। अब जब हम बहत्तर से भाग देंगे 360 में, ये पाँच बढ़ते तो माइनस पाँच और माइनस पैंतालीस है तो पैंतालीस आठ से कट जाएगा, ये तो माइनस में आठ हो जाएगा। अब ये साठ से छः मरते कट जाएगा तो मिलेगा माइनस में उन्नीस और बीस, माइनस में उनचालीस बटा एक बटा माइनस तेरह, माइनस से माइनस कट गया, अच्छा बटा में यहाँ छः भी है तो तेरह दिया उनचालीस, ये हो जाएगा छः तेरी अठारह, अर्थात एक्स का जो मान है वो अठारह हो गया। अब हमें वाई का मान चाहिए तो वाई बराबर सी वन का मान माइनस चार गुना ए टू, ए टू का मान एक बटा छ माइनस सी टू, सी टू का मान माइनस उन्नीस बटा चार गुना ए वन का मान एक बटा छ है तो एक बटा छ लिखेंगे बटा, फिर ए वन का मान एक बटा छ गुना बी टू का मान माइनस एक बटा बारह माइनस ए टू, ए टू का मान एक बटा तीन गुना बी वन, बी वन का मान एक बटा पंद्रह है तो पंद्रह लिखेंगे। अब बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ माइनस और प्लस माइनस चार इक्या चार बटा छ माइनस माइनस प्लस उन्नीस बट छ चौका चौबीस बटा माइनस एक बारह छः बहत्तर और यह माइनस एक बटा पंद्रह हो जाएगा, सॉरी पंद्रह दिया ये पैंतालीस हो जाएगा। अब यहाँ चौबीस और छ का हम एलसीएम कर देंगे, चौबीस छः का एलसीएम चौबीस हो जाएगा तो छः चौका चार चौका सोलह हो जाएगा प्लस ये उन्नीस बटा बहत्तर और पैंतालीस का एलसीएम तीन सौ साठ हो जाएगा तो ये पाँच माइनस पैंतालीस अठे। अब हमें मिलेगा तीन बटा चौबीस, क्योंकि माइनस सोलह प्लस उन्नीस तीन हो जाएगा बटा चौबीस और ये माइनस पाँच माइनस आठ माइनस तेरह बटा तीन सौ साठ, हम इसको गुना के रूप में लिख देते हैं तो तीन बटा चौबीस गुना तीन सौ साठ बटा तेरह हो जाएगा और माइनस है तो माइनस। अब ये आठ तेरी चौबीस कट गया, अब आठ से भाग देते हैं, आठ चौका बत्तीस आठ पंचे चालीस कट जाएगा और ये तो माइनस पैंतालीस बटा तेरह, अतः एक्स बराबर अठारह और वाई बराबर हो जाएगा वाई बराबर माइनस पैंतालीस बटा तेरह, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।